हाय मम्मी। आ गई बेटा। हाय दीदी, कैसी हो आप? और मम्मी कैसे हो आप? ठीक है। मिल गया मम्मी से मिलने का टाइम? अरे मम्मी, दीदी के पास तो टाइम ही नहीं है। क्या बताऊं भाई, इतना बिजी चल रही हूं ना कि आजकल जॉब से छुट्टी ही नहीं मिल रहा है। दीदी ये लो आपके लिए ठंडा रहा। सुनो यार, तुम्हारे लिए कुछ पुराने कपड़े लाए हैं, मुझे तो पहनना नहीं, तुम देख लो अपने हिसाब से। मम्मी मैं क्या बोल रही थी, मेरे कुछ फ्रेंड आ रहे तो। ये बेटा अंदर देखो, एक बॉक्स रखा है, लेके आओ। मम्मी मैं कुछ समझी नहीं। समझी नहीं मतलब ये दिवाली गिफ्ट है। माँ जी तो ये बहुत महंगा है, अभी कुछ दिन पहले तो आपने माँ की दवाई के लिए पैसे डाले थे। तू भी मेरी बेटी है, कोई काम वाली नहीं, ये दिवाली गिफ्ट है, इसको रख ले। इसे देख कैसे खोलना है। ये क्या था मम? क्या था मतलब? आपने उसे फोन उठा के दे दिया, वो भी नया। अरे फोन से सबके जरूरत है बेटा, जस्ट फोन मांगती थी अपने मम्मी पापा से बात करने के लिए, तो मैंने उसको नया फोन उठा के दे दिया ताकि जब उसको मन करे अपने मम्मी पापा से बात कर ले। मॉम ऐसे तो आपने ना जाने उसको क्या क्या दिया होगा, ऐसे कोई किसी को सर पे चढ़ा के रखता है क्या? नया फोन कौन देता है ऐसे किसी को? किसी को मतलब? दीदी आपको पता है वो 6 साल से काम कर रही है हमारे यहाँ पे। तो वो काम करके कोई एहसान नहीं करती हम पे, बदले में उसके घर में हम लोग पैसे भेजते हैं ना उसके माँ के इलाज के लिए। अरे बेटा एक बार सिचुएशन ऐसा हो गया था, वो बेचारी अपने घर नहीं जा पाई। अरे दीदी आंटी इतनी बीमार रहती है जिनकी वजह से रिया हमारे यहाँ पे काम करती है। करो करो जो समझ में आए, जो मन में आए सब करो। आज फोन दिए, कल थोड़े पैसे दीजिएगा, परसों उसके नाम पूरी प्रॉपर्टी कर दीजिएगा। और क्या माँ माँ लगा के रखी है, जाके मिल आए ना अपने माँ से, इतना दूर थोड़ी ना रहती उसकी माँ। दीदी आपको माँ ने कभी कुछ नहीं दिया है क्या? एक बार अगर उसको थोड़ी महंगी चीज दे दी तो आपको इतना बुरा लग गया? सुनो तेरे लिए मेरे में उसके में कोई अंतर नहीं है क्या? फर्क है ना, तू मेरी अपनी बेटी है, अपने दोस्तों से मिल ले, घूम फिर ले, उसके बाद तू सारा काम निपटा ले तो मुझसे मिलने आती है। और हाँ दीदी आपको पता ही है इस बार क्यों नहीं गई अपने गाँव, क्योंकि माँ की तबीयत खराब थी। पर आपको इससे क्या फर्क पड़ता है, आपको तो सिर्फ अपने दोस्त और आपका काम ही दिखता है। मतलब इन सब में मेरी गलती है, आप लोग मेरी गलती निकाल रहे हो, मैं बुरी बन गई। और हाँ काम है तो है, हमेशा मैं घूमती नहीं रहती हूँ। और कुछ कपड़े ला के दिए थे ना उसको, लेकिन तुम्हारा दिल ही नहीं था ना, तू भी कुछ उसको ला के दे दे थोड़ा बड़ा दिल कर। माँ वो आपका फायदा उठा रही है, आप क्यों नहीं समझ रही है? ठीक है बेटा आप जो बोल रहे हो सही बोल रही हो, लेकिन उसके सिवा मेरा ध्यान भी तो रखती है। समझो मेरा और सोनू का कुछ भी होता है तो हमेशा वो ख्याल रखती है। बेटा रिया। जी माँ जी। खाना रेडी हुआ? जी माँ जी लेके आ रही हूँ। हाँ आपको पता है दीदी आज रिया ने आपके पास पसंद छोले बनाए। रिया इधर आना थोड़ा। हाँ दीदी। आज तक मैं तुम्हें सिर्फ एक काम वाली समझती थी, लेकिन आज मुझे पता चला तुम मेरी सच्ची बहन हो। ऐसा कुछ नहीं है दीदी, कल भी तुम मेरी दीदी थी, आज भी तुम मेरी दीदी हो और हमेशा तुम मेरी दीदी ही।